हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैंने आपको बताया था कि दो केसेस हमें पढ़ने हैं। वैसे तो हम किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में दो पॉइंट्स हैं या आप कह सकते हो कि सिर्फ दो डायरेक्शन में ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें से केस वन हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट या एक्सियल डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। और आपने देखा था ई जो होता है एक्सियल पॉइंट पर फॉर द शॉर्ट डाइपोल वो आता है के टू के पी बाय एक्स क्यूब या टू के पी बाय आर क्यूब। और यहाँ पर P जो है P इज द डाइपोल मोमेंट। क्लियर, इतना पढ़ चुके हो आप? ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केस टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या था? कोई भी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एंड द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ऑफ डाइपोल। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है डाइपोल का, ये माइनस क्यू चार्ज है डाइपोल का। दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है या जो डायरेक्शन होती है दैट इज नोन एज एक्सियल लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेटोरियल लाइन की या इक्वेटोरियल पॉइंट की। तो सपोज दिस इज प्लस क्यू माइनस क्यू एंड द सेंटर ओ, ये डिस्टेंस हो जाती है आर, ये डिस्टेंस हो जाती है आर। तो इस सेंटर ओ से पास होने वाली एंड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस, कैसे? सेंटर से पास होने वाली एंड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस जो डायरेक्शन होगी, जो लाइन होगी, डेट लाइन डेट डायरेक्शन इज नोन एज इक्वेटोरियल डायरेक्शन, इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर, तो इस इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट आपको कंसिडर करना है, वेदर आप इधर ले लो इधर ले लो। ठीक है, कोई भी पॉइंट हमने कंसिडर किया और इस पॉइंट पर क्या फाइंड करना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन या बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, सपोज ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, सपोज ए, इसको मान लेते हैं बी एंड दिस पॉइंट इज सी। एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज एक्स। क्लियर, चलिए अब अगर हम ए पे बात करते हैं, ए पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दीज टू चार्जेस। तो प्लस क्यू चार्ज की बात करें पहले, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, कुछ इस तरह से रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, क्लियर है। माइनस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड। ये मैंने मान लिया सपोज ई सी। ठीक है, क्लियर हो रही बात। आउटवर्ड मतलब चार्ज से दूर, इनवर्ड मतलब चार्ज की तरफ, ये मैंने दोनों डायरेक्शंस बना ली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, मैग्नीट्यूड। तो ई बी, ई बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज ए बी, ए बी स्क्वायर के क्यू बाय। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं ए बी की। तो ए बी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पर ए बी हाइपोटेनियस है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन। नाउ ई सी की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई सी इज के
बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एसी, एसी स्क्वायर। अगेन अगर आप एसी की बात कर रहे हो तो एसी क्या होगा, एसी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, मिडिल में है के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वेशन टू। ठीक है, अब इन दोनों का नेट जो होगा ई वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ई बी एंड ई सी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बट अभी देखो क्या हो रहा है कि ये दोनों जो हैं ये ना तो सेम डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो आपको पता है आप ऐड कर देते हो, अपोजिट डायरेक्शन में है सब्ट्रैक्ट कर देते हो। बट यहाँ पर इनके बीच में कुछ एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, थीटा, ठीक है, या एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या तरीका होता है, हम रिजॉल्व कर दें, ठीक है, वेक्टर को रिजॉल्व कर दें। तो दो डायरेक्शन ले लिया मैंने, एक एक्स डायरेक्शन एंड एक वाई डायरेक्शन। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा एंड ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ई बी को आप रिजॉल्व करोगे, यहाँ पर क्या आएगा, ई बी कॉस थीटा एंड इन दिस डायरेक्शन ई बी साइन थीटा। ठीक है, ई सी को आप रिजॉल्व करोगे इन दिस डायरेक्शन ई सी कॉस थीटा एंड इन दिस डायरेक्शन ई सी साइन थीटा। क्लियर, नाउ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो भी वैक्टर्स हैं उनको सेपरेटली आप सॉल्व करोगे। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें ई एक्स, तो क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, तो ई बी कॉस थीटा प्लस ई सी कॉस थीटा। ई बी की वैल्यू है के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। सो ई एक्स इज इक्वल टू टू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन टू कॉस थीटा। सपोज दिस इज इक्वेशन थ्री। नाउ कॉस थीटा की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप ऐसे ले लो, ये ट्राइंगल है आपके पास, है ना, ये 90 डिग्री है, ये एंगल है थीटा, दिस इज आर एंड दिस परपेंडिकुलर इज एक्स एंड दिस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ई एक्स क्या होगा, टू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन टू आर बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ई एक्स इज इक्वल टू टू के क्यू इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सपोज इक्वेशन 4। ओके, नाउ ई वाई की बात करते हैं। अब वाई डायरेक्शन में देखो, ई बी साइन थीटा इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एंड ई सी साइन थीटा इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ई वाई विल बी ई बी साइन थीटा माइनस ई सी साइन थीटा। ई बी की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा। ई वाई इज इक्वल टू जीरो एंड फाइनल ई जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ठीक, नाउ ई वाई तो जीरो है, इट विल बी इक्वल टू ई एक्स, जो ई एक्स की वैल्यू है वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। देन ई इज इक्वल टू के, अब देखिए यहाँ पर मैं टू को अंदर ले जाऊँ तो क्यू इंटू टू आर लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, लास्ट लेक्चर में आपने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू आर। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट यही होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2r। इसको आप लिख सकते हो के पी बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
नाउ अगर शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन लगाते हैं, इफ फॉर या फॉर शॉर्ट डाइपोल की आप कंडीशन लगाते हो, शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन क्या थी, इफ एक्स इज मच ग्रेटर देन आर देन आर स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड, देन ई इज इक्वल टू के पी बाय आर, सॉरी आर स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू थ्री बाई टू ई इज इक्वल टू के पी बाई एक्स क्यू, ठीक है, या इसको मैं कह दूं ई एट इक्वेटोरियल पॉइंट के पी बाय एक्स क्यू, ठीक है, दिस इज फॉर शॉर्ट डायपोल. इफ शॉर्ट डायपोल नहीं है, शॉर्ट डायपोल की कंडीशन यहां पर फुलफिल नहीं हो रही, तब आपकी वैल्यू क्या होगी, दिस वन के पी बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, ठीक है, बट शॉर्ट डायपोल की कंडीशन फुलफिल हो रही है, डिस्टेंस जो है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द डायपोल, देन इक्वेटोरियल जो होगा दैट विल बी के पी बाई एक्स क्यू, ठीक है. तो ये हमारे दोनों केसेस हो गए, दोनों एक्सएल पॉइंट पे भी आपने निकाल लिया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी निकाल लिया. मैंने आपको बताया था ये डेरिवेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, थ्री मार्क्स में आपको मिल सकते हैं, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके बीच का रिलेशन. अब देखो आपने क्या देखा, ई एक्सएल इज टू के पी बाई एक्स क्यूब एंड ई इक्वेटोरियल इज के पी बाई एक्स क्यूब, तो आपको क्या दिख रहा है, ई एक्सएल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल. एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, क्लियर. ये रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको क्या होगा, वन मार्क में मिल सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या कहीं फिलअप में मिल सकता है, ठीक है. तो ये हमेशा याद रखना, शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन में ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल. Now, let's take an example. ये आपका NCERT का example है. Two charges plus minus 10 microcoulomb are placed 5 mm apart. Determine the electric field at. First part है a point P on the axis of dipole 15 cm away from its center O. Means दो charges हैं, एक plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb. These are 5 mm apart, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर पर इसकी एक्सिस पर रखे हुए किसी भी पॉइंट P पर, ठीक है. तो देखिए ये तो आपको समझ आ रहा है कि प्लस माइनस है तो डाइपोल बन रहा है, लेकिन डाइपोल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने से पहले आपको एक चीज चेक करनी है कि क्या शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन है या नहीं है, ठीक है. अगर शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन है तब तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला प्लेस कर सकते हो जैसा कि अभी आपने देखा, बट अगर शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन नहीं है तो आप क्या करोगे, जो हमारा ट्रेडिशनल मैथड है मल्टीपल चार्जेस वाला, दोनों की वजह से अलग अलग निकाल के एंड दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है. तो चलिए पहले चेक करते हैं कि शॉर्ट डायपोल है या नहीं. यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 mm, डेट मीन्स 2R आपको गिवन है 5 mm, देन R क्या हो जाएगा 2.5 mm, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻³ मीटर एंड एक्सिस गिवन 15 cm, 15 × 10⁻²⁪ मीटर, ठीक है. यहाँ पर देखो ये सिर्फ 2.5 mm है और x है 15 cm. यहाँ क्या कंडीशन है, x is greater than r, much greater than r, then हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं. बट अगर यहाँ पर अगर आपको x जो है वो भी mm की ही रेंज में दिया होता, सपोज 15 mm, 20 mm, 25 mm, तो आप फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो शॉर्ट डायपोल का केस नहीं बन रहा है. शॉर्ट डायपोल के केस में ही आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं. तो शॉर्ट डायपोल है, एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, तो आपको पता है ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 kp/x³, ठीक है. 2 k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू पी, पी क्या
क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज माइक्रोकुलम है इन टू, सेपरेशन बिटवीन दैम इज 5 × 10⁻³ बाई एक्स क्यूब 15 × 10⁻² का क्यूब। क्लियर है? तो ये हम यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हैं, 2 × 5 × 2 ये हो गया 10 × 9 इंटू अगेन 10 एंड 10⁻⁶ −3 −9 एंड +9 कैंसिल हो जाता है और ये 15 का क्यूब इंटू 10⁻⁶900 upon 15 × 15 × 15 × 10⁻⁶। ये आप सॉल्व कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने एक्सियल पॉइंट पे निकाल दिया। अब सेकंड देखते हैं, अ पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ ऑन अ लाइन परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस, मींस इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है एंड अगेन एक्स की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दी है, एक्स की वैल्यू सेम है, शॉर्ट डायपोल का केस है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आप चाहो तो क्या लगा सकते हो, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के पी वाई एक्स क्यूब, और अगर आप वो नहीं लगाना चाहते क्योंकि x की वैल्यू सेम है तो हमें एक रिलेशन हमने पढ़ा था कि e एक्सियल इज इक्वल टू होता है 2e इक्वेटोरियल, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं e इक्वेटोरियल इज इक्वल टू e एक्सियल अपॉन 2। तो यहाँ पे एक्सियल जो आप निकाल लोगे और उसमें डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर? चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी कैन से द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब क्या होगा, तब उस पर क्या फोर्स लगेगा, बेसिकली वहाँ पर टॉर्क लगता है तो वो कितना लगेगा, वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले तो हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। किसी भी रीजन में जहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अगर उस रीजन के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सेम है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में एंड डायरेक्शन में, तब हम उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो सपोज किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कुछ इस तरीके से पैरेलल एरोज के थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया जाता है। ये एरोज शो कर रहे हैं कि ये तो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और पैरेलल है, इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ई, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन है, सपोज ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है ई। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल प्लेस्ड है। ठीक, सपोज जो डाइपोल प्लेस्ड है इट इज मेकिंग थीटा एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा। थीटा एंगल बना रहा है डाइपोल एक्सिस जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ। ठीक है, सपोज हियर प्लस क्यू, हियर माइनस क्यू। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, मैंने कुछ लास्ट से लास्ट लेक्चर में आपको बताया था फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो फोर्स कितना होता है, एफ इज इक्वल टू होता था क्यू ई। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है एंड नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा एंड यहाँ पर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। सपोज दिस इज F1 में मान लूँ तो इसके मैग्नीट्यूड होगा QE, यहाँ पर मैं F2 मान लूँ तो इसका डायरेक्शन होगा, वो इसका मैग्नीट्यूड होगा QE। ठीक है,
मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से आप ऑलरेडी डायरेक्शन को कंसीडर कर चुके हो। ठीक, तो इस पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव एक्स में लग गया क्यू ई, नेगेटिव वाले पे नेगेटिव एक्स में लगा क्यू ई। तो मैं बात करूं नेट फोर्स की, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, तो नेट फोर्स एफ क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एफ वन प्लस एफ टू। एफ वन इज क्यू ई इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड एफ टू इज क्यू ई इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसीलिए नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। ठीक है, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। वन मार्क का प्रश्न है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो होगा, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होता है। बट अब ये दोनों फोर्स जो हैं ये कैसे लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं और दोनों डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हैं। यहाँ पर इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है एंड इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कपल, कपल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इफ एक्टिंग ऑन द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन दे फॉर्म कपल एंड दे हैव द टेंडेंसी टू रोटेट द सिस्टम। ठीक है, सिमिलरली एक इस तरफ लग रहा है नेगेटिव एक्स में, एक पॉजिटिव एक्स में, और इनकी क्या है, टेंडेंसी है रोटेशन करने की। ठीक है, कपल फॉर्म कर रहे हैं और जब कपल फॉर्मेशन होगा, रोटेशन होगा, तो क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो एज एफ वन एंड एफ टू फॉर्म कपल, सो दिस सिस्टम will experience torque, ठीक है, और torque क्या होता है, force into perpendicular distance, ठीक है, यही torque होता है। torque क्या होता है, force into perpendicular distance, then force क्या है, QE। अब बात करते हैं perpendicular distance की, ठीक है, perpendicular distance क्या होगी, परपेंडिकुलर डाल लो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में, जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको पॉइंट को मानते हैं सी, एंड ये परपेंडिकुलर जो डाला ये है, सॉरी बी सी, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल होगा। अब सपोज ये डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ है 2r, ये 2r है, तो बी सी क्या होगी, देखो ए बी इज 2r, तो BC क्या होगी, 2r cos theta, and AC क्या होगी, 2r sin theta। अगर ऐसे आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप जरा ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, sin theta is equal to क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is AC and hypotenuse is AB, then AC is equal to AB sin theta, AB is 2r sin theta, clear, तो QE into 2R sin theta, Q into 2R into E sin theta, इस तरह से रीअरेंज कर ले, Q into 2R, product of charge and the separation between them, ये क्या होता है, dipole moment, PE sin theta, तो torque जो experience होता है वो होता है PE sin theta, ठीक है। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, tau is equal to P cross E, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि A cross B हमें पता है AB sin theta होता है, यहाँ पे है PE sin theta, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, P cross E, ठीक है, तो टॉर्क जो होता है वेक्टर फॉर्म में, डेट इज पी क्रॉस ई, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अच्छा, इफ केस ले लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो टाउ क्या होगा, पी ई साइन 90, और साइन 90 इज 1, सो पी ई, और ये वैल्यू होती है मैक्सिमम टॉर्क की। मीन्स
मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब डाइपोल एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है। अगर ये डाइपोल इस तरह से रखा है, सपोज प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और सबसे ज्यादा रोटेशन की टेंडेंसी होगी। बट इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, थीटा जीरो डिग्री है, ठीक है, थीटा अगर जीरो डिग्री है तो क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन जीरो एंड साइन जीरो जीरो, टॉर्क जीरो। मीन्स अगर डाइपोल कैसे रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, फोर्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और दोनों क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आ जाएंगे, इसीलिए टॉर्क भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है टाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज पी ई साइन थीटा, और वी कैन से पी क्रॉस ई मैक्सिमम लगता है जब 90 डिग्री पे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, और जीरो टॉर्क लगेगा जब पैरेलल रखा हुआ है, सेम डायरेक्शन में रखा हुआ। ठीक है, तो यहां तक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ लिया, डायपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया, एंड अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होगा, टॉर्क कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर भी जरूर देखिएगा, और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू।